Assalamualaikum guys, we are back with another vlog after a long time. यार आपके भाई का मोबाइल जो है टूट गया था और आपके भाई ने अभी जो है दूसरा मोबाइल ले लिया है और तो अभी हम जा रहे हैं बहुत सारी मछलियां पकड़ेंगे। पहली दफा हम जनरेटर से शिकार करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। चलो चलते हैं। तो ये है हमारा स्क्वाड और इसको बहुत ज्यादा गर्मी लगी थी, अभी तो स्टार्टिंग होने वाला है। ये इन दोनों ये जालियाँ पकड़िए, आज हम जनरेटर पे मछलियाँ पकड़ेंगे। तो ये जनरेटर स्टार्ट हो चुका है और ये एक दाना उसको दे दिया गया है। अभी आप लोगों को आगे भी दिखा देता हूँ, इसलिए मैंने वो इस और किए क्योंकि जनरेटर का जो शोर बहुत ज़्यादा आ रहा था ना, और ये लग गया बहुत बड़ा दाना माशाल्लाह। सो अभी और भी दे। ये देखो एक दाना इन्होंने मिस कर दिया, बहुत बड़ी थी। और अभी देखते हैं कि और क्या निकलता है। सो जनरेटर का करंट बहुत ज़्यादा तेज था तो इसी वजह से ये देखो दूसरा भी निकल आया है। ये जनरेटर से सिर्फ मछलियाँ जो हैं बेहोश हो जाती हैं, बाद में फिर ज़िंदा हो जाती हैं। ये देखो तीसरा भी निकल आया, तो ये भी मैंने उठा लिया। यहाँ पर ये बड़ा दाना लग गया, दूसरा बड़ा। ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, ये चेक करो। सो अभी ये जाली जो है ना, इसने बहुत बड़ा काम किया है हमारे लिए। यह हम सामने रख देते और फिर इसके बाद जब हम जाते तो मछलियाँ इसमें पंस जाती। तो ये यहाँ पर हम आ गए थे और यहाँ पर हमने स्टे कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे। और अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मछलियाँ दो बड़ी बड़ी हैं और बाकी थोड़े से छोटे हैं, ईल फिशेस ज़्यादा हैं। आप लोग यहाँ पर अभी आगे देखेंगे कि आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सांप है, लेकिन वो सांप नहीं, ईल फिशेस हैं। गूगल पर सर्च करें ईल फिश तो आप लोगों को आ जाएगा। ये देखो ये थंबनेल के लिए इधर उठा लेंगे यहाँ से पिक्चर। ये देख लो, ये यहाँ पर ईल फिश है इसमें। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बड़ा देख रहे हैं आप, ये देखो अभी तो वो और फिशेस निकल रहा है। ये देखो ये ईल फिश है, इसके ऊपर जो है कांटे लगे होते हैं। ये भी दूसरा ईल फिश भी निकल आया है, ये भी बहुत बड़ा था। ये देख लो वो उसे को सही तरह से पकड़ भी नहीं सकता। तो अभी ये शापर चेक करो कितना ज़्यादा इसमें हमने फिशेस डाल दिए हैं। ये तो बस मैं मोबाइल से थोड़े थोड़े क्लिप उठा कर यहाँ पर लगा आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये दूसरा भी निकल, बाकी भी निकल आए हैं और आगे भी चल के आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखो माशाल्लाह, ये भी दोबारा उसने वो जाली सामने रखी है। पीछे की तरफ से करंट आ जाता है, जो आगे भाग जाते हैं वो इस जाली में पकड़ लेते हैं हम। ये जाली बहुत काम की चीज़ है। ये भी ईल फिश हैं, ये मैंने जो उठा दिया हाथ में, इसे भी शापर में डाल देते हैं। ये देखो ये ईल फिश, इसने अपने गर्दन के पीछे लटकाए हैं, अभी शोल्डर के ऊपर लटका दिया। अभी हम भी अपने आप को थोड़ा आप लोगों के सामने ला देते हैं। लग रहा हो ना कोरलस उस्मान की तरह, क्या नहीं, मुझे तो कोरलस उस्मान की तरह ही। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। ये भी बहुत बड़ा दाना लग गया था, ये देखो फ्रेश, फ्रेश खाने में जो मजा है ना और चीजों में नहीं। बहुत ही मजा आया ये पकड़ के, ये दाने पकड़ के बहुत मजा आया। अभी और भी आप लोगों को दिखाते हैं। ये किस किस्म का फिश है मुझे कमेंट करके बता दीजिए। सो ये यहाँ पर हमने स्टे कर दिया है। गाइस ये देखो वजदान ने भी जो है मरम है, और ये देखो ये भी जिंदा है। और ये भी देखो, और नीचे भी देखो यहाँ पर। Yeah, baby.
तो अभी हम थक चुके थे तो बिस्किट लेकर आए और पेप्सी। तो अभी ये खाते हैं फिर मछलियों की सफाई करते हैं। तो यहाँ पर ये भी साफ हो चुके हैं, अभी हम इसको शिफ्ट करेंगे। अभी इसको मसाला लगाएंगे हम। बड़े वाले के बारे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Oh, yes. Yeah, baby. No, तो ये ईल फिश भी पक चुके हैं, इसे ईल फिश कहते हैं, ये सांप नहीं है। ये भी पक चुका है, ये देखिए माशाल्लाह। तो ये सब कुछ खत्म हो चुका है। मजा आया तो बहुत ज्यादा मजा आया। तो ये रही आज की ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों ने ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। जिस जिस बंदे ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।